ये शुभम मेरा नाम है, और आपका? अतुल। और आपका? राजस्थान नाजिम। आपका? और आपका? कर्नाटक। मैं कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, है ना। तो अपना जो ये सिलेबस को है, इसको बुलेट्स पॉइंट में दिया है, चैप्टर वाइज थोड़ा समरी के हिसाब से मैंने बाइफरकेट कर दिया सॉर्टिंग करके। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग का नेट वगैरह क्लियर है, बेसिक्स तो सब पता ही है। हाँ बेसिक्स क्लियरली बेसिक्स को जीरो मान रहा था सर। हाँ तो कॉस्टिंग में मतलब कॉस्ट से आप क्या समझते हैं? कॉस्ट किसी भी यूनिट की वो प्राइस जो पे लगी है हाँ मैं रिलेटेड है, मतलब कॉस्ट सारे खर्चे एक्चुअल में ऐड होता है जो हाँ एक्सप्लिट भी है और इंप्लाइड भी है, मतलब हाँ कॉस्ट में। ओवरहेड हाँ किसी यूनिट को बनाने से लेके अप टू सेल तक होने वाले से अप टू सेल में तो प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है ना। रेडी हाँ कॉस्ट रेडी ऑफ गुड सेल जो बोलते हैं अपन, तो इसका। वहां पर तक जो कॉस्ट होती है वो अपने कॉस्ट में आती है। और जैसा आपने बताया नाजिम, वो यूनिट जो बता रहे हैं, तो यूनिट तो मेजरमेंट का तरीका है। मतलब कॉस्ट कोई भी प्रोडक्ट जो अपन एक्सपेंस करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को उसको यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए, उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, वहां तक का जो अपन खर्चा करते हैं वो उसको प्रोडक्ट की लागत मानी जाती है, उसकी कॉस्ट मानी जाती है। तो कॉस्ट दो तरह की होती है, जो भी एक तो कौन सी होती है, वेरिएबल कॉस्ट, और एक फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में वो प्रोडक्ट के साथ वेरी करती है। कैसे वेरी करती है, चेंज कैसे होती है, हर प्रोडक्शन, हर यूनिट का जो अपना प्रोडक्शन होता है, कोई भी अपन एक चीज बना रहे हैं उसमें वो जितनी यूनिट बनाएंगे उतनी वो कॉस्ट लगेगी। अपना प्रोडक्शन 100 यूनिट का है तो कॉस्ट 100 यूनिट पे लगेगी। अगर उसको हम 101 करते हैं तो वो हर यूनिट के हिसाब से वेरी करती है, उसको क्या बोला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो ये यूनिट वाइज तो वेरी करती है। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट आपका प्रोडक्शन कितना भी है, आपका प्रोडक्शन आप 100 यूनिट बना रहे हैं या आपके 50 यूनिट्स बना रहे हैं कोई भी चीज की, या अपन 150 यूनिट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए ये फिक्स्ड रहती है, ये चेंज नहीं होती है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये पूरा जो बैच है, ये लॉट है, अपना जो टोटल प्रोडक्शन है वो उस पे इफेक्ट नहीं करती है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में इन दोनों के बीच में एक कॉस्ट और आती है, उसको अपन सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इन दोनों के बीच में एक कॉस्ट और आती है, उसको अपन सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकते हैं। ये अप टू ए लेवल फिक्स्ड कॉस्ट अपन बोलेंगे। अप टू ए लेवल तो कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट फिक्स्ड होती है ना, कि ये इतनी कॉस्ट तो अपनी लगनी लगनी है। और उसके बाद जितना अपन वेरी उसमें चेंजेस करते जाते हैं अपने प्रोडक्शन में, उतनी वो वेरी करती है। जैसे अपन लाइट का बिल है अपना, सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल में, वाटर बिल में, जो भी ये अपने यूटिलिटी बिल्स होते हैं उसमें एक अमाउंट फिक्स होता है मंथली, कि आपने जितना किलोवाट का लोडिंग कैपेसिटी ले रखा है उतना अमाउंट तो फिक्स रहता है। तो उतना तो अपना 100 रुपीज पर मंथ है या 200 रुपीज पर मंथ है, तो वो क्या हो गया, उस उसमें 100 रुपीज फिक्स हो गया, ठीक है। तो ये तो उसका फिक्स्ड एलिमेंट हो गया कोई भी कॉस्ट का। और वेरिएबल जो एलिमेंट है, अब सपोज वो अपने कंजम्पशन पे डिपेंड करता है,
कि अपन कितना कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, अपन मंथली में कितना बिल कंज्यूम करते हैं, उस पे क्या डिपेंड करेगा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट। अब सपोज फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे अपना वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, अब कोई भी अपन कोई भी लेट्स से एग्जांपल शर्ट बना रहे हैं अपन, ठीक है, तो शर्ट में अपना जो फैब्रिक लग रहा है ये तो फिक्स है, जो भी अपना मेजरमेंट है, तो वो फैब्रिक जो है वो फैब्रिक का क्वांटिटी जो फिक्स्ड है, तो उस पे जो कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी वेरिएबल। अगर अपन मान लो 2 मीटर कपड़े का शर्ट बना रहे हैं, और अगर एक बनाते हैं तो 2 मीटर लगेगा, 5 बनाते हैं तो 10 मीटर लगेगा, तो वो पार्ट तो हो गया वेरिएबल। अब वो जो अपना शर्ट जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपन बना रहे हैं, अपना जो वर्कशॉप है, वहां अपने को कुछ ऐसे एक्सपेंस करने होते हैं वो इन नेचर फिक्स्ड होते हैं, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल वहां का रेंट लगता है, जो वर्कर्स होते हैं उनको अपने को वेजेस देनी पड़ती है, मजदूरी जो वहां पर जो उसको प्रोडक्ट को स्टिच करते हैं शर्ट को, तो ये फिक्स्ड हो गई। सपोज अगर अपन उसको अपन ने उसको क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कि आपको ये मंथली हमको सैलरी हमको देनी ही है, पर यूनिट के हिसाब से नहीं है। एक होता है ना कि आपको 10 शर्ट बनाने हैं तो हम इतने रुपए देंगे, आपको 20 बनाने हैं तो इतने देंगे, तो वो तो पर यूनिट हो गया अपनी कॉस्ट जो अपने पड़ रही है। पर अपन ने को वेजेस बोलो, वर्कर्स के लिए बोलो या एम्प्लॉयज के लिए बोलो, एम्प्लॉयज के लिए बोलो, तो उनकी सैलरी फिक्स है, 1000 पर डे है, वो फिक्स है, तो वो फिक्स्ड अमाउंट में आती है ना, डेज के हिसाब से मंथली है। वहां पे वॉचमैन है, उसकी सैलरी है, वो फिक्स्ड है। जो जो एक्सपेंसेस अपने इन नेचर फिक्स्ड होते हैं, वो अपने प्रोडक्शन चेंज होने के साथ वेरी नहीं होते, है ना। प्रोडक्शन चेंज होने के साथ, प्रोडक्शन अगर है चाहे नहीं है तो भी वो क्या लगना ही लगना है। अब हम यहाँ क्लासेस खोल ओपन है, अपनी क्लास अपन चढ़ा रहे हैं, तो अगर मान लो अपन ने यहाँ का जो रेंट है तो वो किसके अंदर आएगा, वो लगना ही है, क्लास चले चाहे नहीं चले, वो फिक्स्ड में आएगा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो जो अपन एसी यूज नहीं कर रहे, लाइट यूज नहीं कर रहे, पर जो फिक्स बिल आना है, वो जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो अपना आएगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में, कि उतना बिल तो फिक्स्ड ही है। फिर आपने एसी चलाया, लाइट चलाया, तो जितना यूनिट कंज्यूम होती है वो किस में आएगा, वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट होता है, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होता है ना। तो ये समझ आया आपको, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं संक कॉस्ट की। ये कॉस्ट अपन जब मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते हैं, कोई भी चीज है, अपने को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई भी चीज बनानी है, जो अपन ने पैसा खर्च कर दिया, अपन ने कोई चीज पैसा खर्च कर दिया, अब आप उसके आगे उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ देते हैं। आप सपोज आप लोग एडमिशन लिया, आपने ट्रायल क्लास है या डेमो क्लास है, कुछ रजिस्ट्रेशन फीस दी, तो आपने वो पैसा खर्च कर दिया, जो चीज एक्सपेंड कर दी लेट से आपने 100 रुपीज पेड कर दिए इंस्टीट्यूट ने, आपने एक्सपेंड कर दिया वो चीज। अब आप कल से नहीं आते हैं या फर्दर आप स्टडी नहीं करते हैं, तो वो आपके लिए क्या कॉस्ट हो जाएगी, उसको संक कॉस्ट बोलेंगे, इसको अपन पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। पास्ट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट लग चुकी। अब अपन इसको एज ए कॉस्टिंग की बात लैंग्वेज में बात करें, अपन ने कोई भी मटेरियल बना रहे, अपन कोई मशीनरी है सपोज, अब
अपन मशीनरी इंस्टॉल करनी है अपने को, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फैक्ट्री में लाके कोई मशीन लानी है अपने को, है ना। अब मशीन लानी है तो अपन उसको सोच रहे हैं, अपन कैश में बाय करते हैं तो कितने रुपए खर्च होते हैं, और अगर अपन बाहर से बना रहे हैं तो, और अपन मान लो खुद उसको खुद मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं उस मशीन को, अपना लोहे का कारखाना है सपोज, मैं लोहे का गोदाम में कुछ काम करता हूँ, है ना, कोई भी रेलिंग वगैरह बनाता हूँ। अब मेरे को कोई हथौड़ा बनाना है या कुछ बनाना है, तो मैं उसको या तो बाहर से परचेज कर सकता हूँ, कोई टूल्स है, हार्डवेयर है, या फिर मैं उसको इन हाउस प्रोड्यूस कर सकता हूँ, अपने वर्कशॉप में कोई चीज को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब सपोज मैंने कैश में, एक तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो मैं वो चीज बाय कर लेता हूँ या तो खरीद लेता हूँ बाजार से, कोई भी चीज है उस प्रोडक्ट को या उस मशीन को, कोई भी यूनिट है उसको बाय कर लेता हूँ, या फिर मैं उसको इन हाउस प्रोड्यूस करता हूँ, मेरे कारखाने में उस मशीन को बनाता हूँ, ये मेरे को डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्टिंग में, रेलेवेंट कॉस्टिंग बोलते हैं उसको। रेलेवेंट कॉस्टिंग बोलते हैं, अपन जो डिसीजन लेते हैं ना उसमें बहुत सारे अपने को टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इस टॉपिक में जो एक टर्म आती है उसको बोलते हैं संक कॉस्ट। सपोज आप एक ब्रिज बना रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं और आपने उसमें 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, एक महीने आपने काम किया, कोई मैंने आपकी कंस्ट्रक्शन की यूनिट है और आपने 10 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए। अब एक फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई उसमें, अब वो आपका ब्रिज टूट गया है, वो नष्ट हो गया है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो ब्रिज मुझे आगे बनाना है या नहीं बनाना है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो जो ये 10 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, ये भूतकाल, सॉरी भूतकाल की बात हो गई, पास्ट कॉस्ट हो गई, ये प्रेजेंट टेंस नहीं रहा। ये चीज आपने खर्च कर चुके हो आप। अब आप चाहे बनाते हो चाहे नहीं बनाते हो, वो ब्रिज तो खत्म हो गया है ना। तो इस कॉस्ट को अपन बोलते हैं संक कॉस्ट, है ना। संक कॉस्ट में क्या होता है, इसको पास्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है। इसको हिस्ट्री, जो इतिहास है, जो जिसका आपके फ्यूचर में आप कोई भी एक्शन लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ब्रिज आगे बनाओगे चाहे नहीं बनाओगे, ये कॉस्ट तो आपकी लग गई। इसका दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। आपने कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले रिसर्च करी, है ना, कोई भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको, तो आपने रिसर्च करी, उसके लिए आपने 2 साल दिए, तो आपने उस पे जो एक्सपेंड किया अमाउंट वो आप कर चुके हैं। 2000 आपने 18 में काम शुरू करा, आज 21 चल रहा है, 3 साल से रिसर्च चल रही है कोई भी प्रोजेक्ट को लेके, तो वो कॉस्ट क्या हो गई अपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के टर्म में, अगर अपन समझे तो संक कॉस्ट हो गई, है ना। तो वो अपने को उस संक कॉस्ट को कंसिडर नहीं करना है। अब मैं आगे, मैंने 10 लाख रुपए तो लगा दिए, 10 लाख रुपए मुझे मिल भी गए, पर मेरे को बाढ़ आ गई, गवर्नमेंट ने मेरे को पेमेंट कर दिया, अब मेरे बाढ़ आ गई, वो तो डूब गया। अब गवर्नमेंट कल मेरे पास आती है तो उन्होंने बोला सर हमने आपको 10 लाख तो पेमेंट कर दिए, अब अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी ब्रिज पूरा तो हुआ ही नहीं था, अपन ने ब्रिज को हैंड ओवर तो करा ही नहीं था। तो सपोज हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले था 20 लाख रुपए का, इधर से नहीं होगा जिस,
अपना पहले जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट से हुआ था वो 20 लाख रुपए में हुआ था, और गवर्नमेंट अपने को 10 लाख रुपए तो दे चुकी थी। अब वो कल अपने पास आती है, अब वो बोलती है हम आपको 10 लाख और देंगे, आप ब्रिज बनाइए। तो ये जो है ये एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आता है, जो बारिश होती है, ब्लड आती है, तूफान आता है ना, साइक्लोन आता है, ये सब एक्ट ऑफ गॉड भगवान का किए के अंदर आता है, उसमें ना अपना बस है ना किसी और का। तो अब हम उनको बोलेंगे 10 लाख में तो हम नहीं बना सकते हैं, तो ये जो कॉस्ट लगी ये गवर्नमेंट के लिए क्या हो गई, ये गवर्नमेंट के लिए संक कॉस्ट हो गई। अब गवर्नमेंट हमें अगर आगे से दोबारा 20 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, ऐसा तो नहीं है वो ग्राउंड लेवल तक खत्म हो गया ब्रिज है ना, तो वो अपने को सपोज अपने को वो 15 लाख रुपए देती है, तो अब अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने कॉस्टिंग उसमें कितनी लगेगी, और अपने को आगे वो कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, कोई भी रेलेवेंट रेलेवेंट जो कॉस्ट होती है, डिसीजन पे डिसीजन पे रेलेवेंट नहीं है, वो अपने को इग्नोर करना है। संक कॉस्ट यही मैं आपको बता रहा हूं, आप संक कॉस्ट को अपने को इग्नोर करना पड़ेगा। वो 10 लाख को मैंने भुला दिया कि वो आपने दे दिए, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर उसको कंसिडर करते तो वो हमको 15 लाख देते ही नहीं। हम बोलो कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, तो उसको अपने को कंसिडर करना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सर्वे कराया, हाँ, तो सर्वे की वो कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ले लेते हैं। हाँ, पर यूनिट कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा उसका? जोड़ेंगे ना अपन। मैं ये बोल रहा हूं उस वही कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, उसको बोलते हैं अपन वो जो पर यूनिट कॉस्ट अपन लेते हैं ना, वो किस में कंसीडर होती है? कोई भी प्रोडक्ट की अपन टोटल कॉस्ट निकालते हैं। अब वो कॉस्ट हमारे डिसीजन लेने के लिए कि हम फ्यूचर में इसको आगे करें, ब्रिज को बनाएं या नहीं बनाएं। जब भी कोई चॉइस लेनी होती है ना अपने को, कोई भी चीज को दो ऑल्टरनेटिव है, ऑल्टरनेटिव वन है और ऑल्टरनेटिव टू है, इनमें से अपने को सिलेक्शन करना है, तब कौन सी कॉस्ट काम में लेते हैं अपन? रेलेवेंट कॉस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट में अपने को वो चीज इग्नोर करनी होगी, और जब अपन टोटल कॉस्ट लेंगे कोई भी प्रोडक्ट की, तो अपने को क्या, अब उस ब्रिज की टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए कितनी पड़ी? 10 प्लस 15। उस केस में अपन क्या लेंगे? तो यहां पर संक कॉस्ट टोटल कॉस्ट में जुड़ेगी पर रेलेवेंट कॉस्टिंग में नहीं जुड़ेगी, है ना? आया समझ में कुछ? आया आपको? तो ये जो संक कॉस्ट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट है, फ्यूचर कॉस्ट है, ये सब चीजें अपन किसमें डिस्कस करेंगे? रेलेवेंट कॉस्टिंग में, है ना? अब अपने ये जो कॉस्टिंग का जो पेपर है इसमें देखो आप, ये मैंने जैसे बेसिक इसमें बताया है, फर्स्ट है यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो है फर्स्ट है ना, उसमें कॉस्ट की डेफिनेशन देखो, जो मीनिंग है इसका, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉशिनल इनकर्ड ऑन और एट्रिब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड आर्टिकल प्रोडक्ट और एक्टिविटी। ये बोल रहा है जो भी आपने एक्सपेंस किया, ये जो आपने एक्सपेंस किया कोई भी प्रोडक्ट को, कॉस्ट को या एक्टिविटी कैरी करने के लिए, तो उसको क्या माना जाएगा?
एक्सपेंस उसको कॉस्ट माना जाएगा, जो भी आपने एक्सपेंस किया है उसको कॉस्ट माना जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंस, यहाँ पर बता रखा है कितने तरह का बोल रहा है, यहाँ एक्चुअल और नॉशनल। एक्चुअल और नॉशनल, कोई भी एक्सपेंस है जो आप एक्चुअली आपके पॉकेट से आप दे रहे हो, जो आपको रियल में आउट ऑफ पॉकेट पे वो इफेक्ट पड़ रहा है ना। कोई भी आप जो खर्चा पे कर रहे हैं, अक्रूड है या जो भी है, मतलब अकाउंटिंग का जो अक्रूड और एक्चुअल पेमेंट नहीं बोल रहा, जो आपको आज देना है या फ्यूचर में देना है पर देना है, तो वो तो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट में आएगा, ठीक है। और नॉशनल कॉस्ट में क्या होता है, आपको वो चीज दिख नहीं रही है ना, पर आपको वो आपको पेमेंट नॉशनल कॉस्ट से कैसे होता है, है? ये जो आपको एक्सपेंस है वो डायरेक्टली डायरेक्टली आप रिलेट नहीं कर पा रहे, जो आपका यूनिट और प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली वो रिलेट नहीं कर पा रहा है ना। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी अपन पढ़ेंगे, है ना। तो नॉशनल में क्या हो गया, वो चीज आपको लग रही है पर आप उसको एक्चुअली जो है ना वो आपको दिख नहीं रही है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी अपन लेते हैं ना नॉशनली जो डालते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है, आपने ये वुड बनाया, ये इसमें आपको क्या दिख रहा है, मतलब खर्चा क्या क्या लग रहा है, फर्नीचर तो इसको बोल दिया, वुड लग गई, एक तो लकड़ी लग गई है ना, ठीक है। तो वो फिनिशिंग अपने लेबर चार्ज में आ गई, इसको बनाने की जो मजदूरी है वो वेजेस में आ गई, जो लकड़ी है वुड, ठीक है, ये वुड आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ये पेपर है, आप इस पेपर को ये चीज डायरेक्टली दिख रही है, जो चीज आपके प्रोडक्ट में आप डायरेक्टली देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किस कॉस्ट में आती है अपने, डायरेक्ट कॉस्ट। अब आपने जो खर्चा है इसका जस्ट अपोजिट, जो आपको फील नहीं कर सकते, आप उस प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते। अब ये प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री में बनाया है या घर में बनाया है, तो अपन ये नहीं बता सकते इसका रेंट जो लगा है वो अपने को दिख नहीं रहा है इस प्रोडक्ट में, कि अपन ने कितनी मजदूरी लगाई है, क्या मशीन का डेप्रिसिएशन लगा है। तो वो सब कॉस्ट किस में आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो अप्रत्यक्ष लागत होगी अपनी, वो किस में आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। या क्लियर हुआ आप लोग को, अब इसमें नेक्स्ट है, नहीं हाँ, तो मैंने बोला डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है अपने, जो अपन कॉस्ट लेते हैं, जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना है ना, सुना है आप लोगों ने क्या होता है उसका मतलब, किसी एक प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरे से अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो उसको सेकंड बेस्ट, नहीं वो तो अपन चूज का क्राइटेरिया है, मतलब उसका सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होगा ना, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उससे अपन को 10,000 का फायदा है और उसी का पैरेलल दूसरा प्रोजेक्ट है उससे अपन को 20,000 का फायदा है, तो उस 10,000 वाले को छोड़ के 20,000 वाले को अडॉप्ट करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। वो अपने को कोई ऑप्शन को चूज करने के लिए क्या चुकाना पड़ रहा है ना, हाँ, वो उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सपोज मैं यहाँ टीचिंग के लिए आया हूँ, ठीक है, मुझे जो रेमुनरेशन मिल रहा है मुझे वो 15,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, ठीक है,
उससे पहले मैं अपना कुछ काम करता था है ना, उसको उस काम को मैं या कहीं और जॉब करता था, जो भी करता है वो मुझे छोड़नी पड़ी। तो ये इस 15,000 के लिए अर्न करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, 2,000 रुपए। कोई मेरी फैक्ट्री में मैं प्रोडक्शन करता था, कोई जो उस प्रोडक्शन को जो मैं बेचता था उस पे मुझे 100 रुपये प्रॉफिट होता था, ठीक है? तो वो 100 रुपये प्रॉफिट होता था, और सपोज मैं ऐसी 10 यूनिट बेचता था, तो ये जो अमाउंट मेरे को छोड़ना पड़ रहा है, अब मैं उस फैक्ट्री को मैंने रेंट पे दे दिया, तो रेंट पे मैंने दे दिया, तो उसके लिए मुझे अमाउंट जो छोड़ना पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई अपॉर्चुनिटी को अपन अवेल कर रहे हैं तो उसको लिए जो अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किसमें आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। तो जो ये कॉस्ट मैनेजमेंट है अपना, जो सिलेबस है, तो उसमें क्या होता है, जैसे नेट का है और JRF का है और अपना ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है, ये सब जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन आते नहीं है, अपने को सॉल्व करने नहीं होते। और कोर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, DT IDT है और अकाउंट्स है ना, तो इन सब में लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो वो क्वेश्चंस आप चाहे 1,000 क्वेश्चन करके गए और वहां पर नए नए क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने को क्या चीज समझनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट, उस ताकि वहां पर अपन आइडेंटिफाई कर सके उस चीज को, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे नहीं, फॉर्मूले भी बहुत कम पूछे जाते हैं, जनरली जो पूछे जाते हैं वो भी बहुत कम पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट अपने को समझने होंगे। तो जो भी है, हाँ नहीं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को रटने थोड़ी ना होते, कॉन्सेप्ट समझ के ही। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस A to Z पूरा ऊपर से नीचे नहीं समझा जाता। सपोज कॉस्ट शीट है, सबसे पहले अपन, आपने कॉस्ट शीट तो बेसिक हमेशा से अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या चीज आती है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है अपना। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट, उसको अपन डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, लेबर भी बोलते हैं। ये अपने को किनको देनी होती है, जो वर्कर्स होते हैं है ना, हाँ, जो लेबर, लेबर मतलब जो मेहनताना जो कर रहे हैं ना, जो जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं अपना फैक्ट्री एरिया से, उनको क्या देते हैं अपन, डायरेक्ट लेबर। फिर थर्ड पार्ट क्या लगता है अपना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो भी वही है प्रोडक्ट में जो डायरेक्टली रिलेटेबल है ना। इन तीनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं कंबाइंडली, डायरेक्ट इसको बोलते हैं अपन, जो अपना प्रोडक्ट है उसकी जो मूल लागत आ रही है ना, जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो बेसिक कॉस्ट आ रही है, जो उससे अपन डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, वो किसमें आएगा, प्राइम कॉस्ट में। उसके बाद ऑफिस नहीं आता, उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, तो ओवरहेड जो होता है, अपन जो अपन ने पढ़ा था ना वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड कॉस्ट जो पढ़ा था है ना, ओवरहेड को खर्चे बोला जाता है। तो जो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हैं है ना, वो पर वो डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है। सपोज इसका एग्जांपल बताइए, फैक्ट्री क्या, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हाँ, ये जो भी चीजें होगी वो किसमें आएगी,
फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी है। हाँ, प्लांट्स रिलेटेड आपका डेप्रिसिएशन हो गया, प्लांट का इंश्योरेंस हो गया, प्लांट का डिस्कार्ड वैल्यू हो गया, वो सब सारे खर्चे किसमें आते हैं? फैक्ट्री। अब अपन प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को अपन ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? और है ना, हाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही तो होता है, तो इसको क्या बोला जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, यहां तक का जो पार्ट आता है ये अपना बेसिक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, ये फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हो गए। अब फैक्ट्री के बाद बिजनेस में क्या एक्सपेंस करेंगे अपन? ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड बोलेंगे उसको, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहां पर भी वही चीजें आएगी जो ऊपर आ रही थी, बस ये रिलेटेड किससे होगी? ऑफिस रिलेटेड होगी। यहाँ पर अपन वेजेस नहीं बोलेंगे, जैसे सैलरी है ना, मतलब ये एम्प्लॉयज की सैलरी होगी, है ना। यहाँ पर ये तो आ गई अपने डायरेक्ट लेबर जो है, ये तो क्या हो गया? हाँ, ये तो हो गया अपने जो मजदूरी दे रहे हैं अपन। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो गया? इनका जो सुपरवाइजर है जो फैक्ट्री में होता है, अगर अपन सैलरी लेवे तो। और यहाँ पर सैलरी से मतलब क्या हो गया? हाँ, जो एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी वगैरह। तो अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें, अगर अपन फैक्ट्री कॉस्ट में इसको ऐड करते हैं तो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अपनी प्रोडक्शन, उस प्रोडक्ट को बन के तैयार हो गया उसकी लागत आ गई। ठीक है, अब इसके बाद है ना, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अरे वो अलग चीज हो गई, वो तो वर्क नहीं, एडलेस तो यहाँ भी होगा, वर्क इन प्रोसेस। हाँ, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई। ये इसमें अपना सपोज अपन ने एडवर्टाइजमेंट किया है ना, सेल्समैन को कमीशन दिया है, ठीक है, उसका मार्केटिंग हो गई है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई, वो सब इसमें आ जाएगी, है ना। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं तो अपना क्या आ जाता है? है ना, प्रॉफिट जोड़ते क्या आ जाता है? सेल वैल्यू। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो गया? सेल। प्रॉफिट जो अपन चार्ज करते हैं, यहां तक सब क्लियर है, है ना। प्रॉफिट अपन चार्ज करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? मतलब अपन ने एक प्रोडक्ट बनाया है, और कुछ तो अब वो अपन क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करें अपन? जैसे सपोज अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मार्केट में इंडस्ट्री रेशियो है, मार्केट में कितना प्रॉफिट इस प्रोडक्ट में लोग कमा रहे हैं, ठीक है, अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है। अपन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती, सर्विस की भी होती है। अपन यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, यहाँ अपन क्या दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में? सर्विसेज दे रहे हैं, तो सर्विस का जो अमाउंट है वो उसमें भी प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो एक परसेंटेज अपन ने फिक्स कर लिया, सपोज 10% ऑन, है ना, जो भी अपनी कॉस्ट है उस पर क्या कर लिया अपन ने 10%। अब कॉस्ट अपनी 100, तो प्रॉफिट कितना हो गया, है ना, 10 रुपए आ गया अपना प्रॉफिट। ये तो क्लियर है ना।
अब दूसरा होता है टेन परसेंट ऑन सेल्स। तो जो ये 110 रुपए अपन ने सेल लिया या सेल का जो भी अमाउंट है 110 1000 है, तो इसमें वो प्रॉफिट प्रॉफिट ऐड है ना। इसका जीएसटी का में भी बहुत अच्छा है एग्जांपल, जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है, यहाँ 100 आ गया, यहाँ अपना परसेंटेज आ गई, इनटू आप कॉस्ट से करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट से करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, है ना। अपन जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी कैलकुलेट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट की, तो उसमें भी यही आपने देखा होगा, कोई भी आप प्रोडक्ट 1000 रुपए का प्रोडक्ट है ना, मैंने आपको सपोज यहाँ फीस 1000 रुपए है, 1000 रुपए आपकी फीस है, उस पर मैंने बोला जीएसटी अलग से लगेगा, कहीं भी आप जाते हो जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो हो गया वो अलग से लगेगा, तो आप इस 1000 पे 10% ऑफ क्या करोगे, 10% ऑफ 1000, 18% ऑफ 1000 जो नॉर्मल रेट है, तो ये कितने रुपए हो गया 180। तो आप यहाँ आपकी फीस क्या लगेगी है ना, या फिर आपको बोला जाए कि आपकी फीस 1000 है और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो टैक्स है वो टैक्स इंक्लूडेड है, तो अपने को यहाँ 1000 रुपए आ गए है ना, इसको अपने को करना पड़ेगा 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स, 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स, यही चीज जो अपन ने कॉस्टिंग में यहां पड़ी थी 1000 कॉस्ट प्लस है ना, क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अपना इसमें आगे एक टॉपिक है, देखो समझ आ रहा है ना आप लोगों को, आगे एक टॉपिक है कॉस्ट कंट्रोल है ना। ये सिर्फ समरी है, थोड़ा थोड़ा जो अपना सिलेबस है उसका बेसिक एक एक लाइन है, इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट कंट्रोल। अपनी कोई भी कॉस्टिंग है, अपन जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसको अपन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो अपन सर्वाइव नहीं कर सकते, कॉम्पिटिशन इतना हो गया, प्रॉफिट अपन ज्यादा जोड़ नहीं सकते, तो दूसरा ऑप्शन कॉस्ट कम करो। अब कॉस्ट कम का मतलब होता है कॉस्ट आप ऐसा नहीं कर सकते ना, अपने क्वालिटी हल्की कर दे या जो भी है, तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब कॉस्ट को कम करना नहीं होता, उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। अपन कोई भी कॉस्ट ऐसा नहीं कर सकते ना, कोई चीज बना रहे अपन इसके में प्लाई अपन कमजोर यूज कर ले, तो अपने को ऑप्टिमाइज करना होता है कि अपनी क्वालिटी भी मेंटेन रहे, जो भी अपन प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो अपना जो प्रोडक्ट है उसको जस्टिफाई करे उस प्राइस को। तो कॉस्ट कंट्रोल में अपने को देखना है, देखो इट इन्वॉल्व्स डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट। अपने को अभी अपन ने पढ़ा कॉस्ट शीट में कितने तरह की कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एक्सपेंस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने को सबसे पहले कोई चीज को कंट्रोल करना है तो पहले उसको समझना होगा, ठीक है, इन द लाइट ऑफ एडवांटेज रिसीव्ड फ्रॉम द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट। अपने को उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपने को उसको स्टडी करना है, पर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि उसके एडवांटेज क्या क्या है, अपन अपनी जो लागत आ रही है उससे अपने को बेनिफिट क्या क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे उस कॉस्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, वी कैन स्टेट दैट कॉस्ट इट एनालाइज टू नो वेदर कॉस्ट इज नॉट एक्सीडिंग इट्स बजटेड कॉस्ट, है ना। बजटेड कॉस्ट क्या होता है बताओ, है
अच्छा और ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है प्रेजेंट से या पास्ट से है ना अच्छा अपन कोई भी चीज को फ्यूचर के लिए अपन बजट बनाएंगे है ना एनालाइज करेंगे तो हाँ एक दो मिनट क्या चीज ये फैन चालू ये फ्यूचर कॉस्ट है ना फ्यूचर के लिए कॉस्ट उसको अपन पहले प्रिडिक्ट करेंगे और वो प्रिडिक्शन कैसे होगा जो भी अपने पास इंडस्ट्री का डेटा है या अपन ने पहले वो प्रोडक्ट बना रखा है पिछले साल है ना पास्ट ट्रेंड में अपन उसको पास्ट ट्रेंड का डेटा लेके उसको अपन बजट बनाते हैं फ्यूचर के लिए है ना जैसे इस महीने अपने को मान लो अपना घर चलाना है तो कितना रुपए खर्च होना होगा तो अपन पहले पिछले महीने देखेंगे अपने को कहाँ कहाँ कितना रुपए लग रहा है ठीक है तो ये होती है बजटेड कॉस्ट अपने को ताकि अपन फ्यूचर में अपन कंपैरिजन कर सके कोई चीज से 1000 रुपए अपन ने बजटेड कॉस्ट बनाई है वो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है 1200 रुपए में है ना उसके लिए अपने को फ्यूचर का एस्टिमेशन करना होता है बस ये टॉपिक ये कर दूं वी कैन स्टेट दैट कॉस्ट इन एनालाइज टू नो वेदर कॉस्ट इज नॉट एक्सीडिंग इट्स बजटेड कॉस्ट अपनी बजटेड कॉस्ट 1000 रुपए थी तो वो उससे एक्सटेंड कर रही है तो उसका रीजन अपने को सर्च करना पड़ेगा कि जो वेरियंसेस है उनको फाइंड करना होगा एंड वेदर फ्यूचर कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल और नॉट अपन ने 1000 रुपए बनाए कि 1200 रुपए को अपन कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो क्या बोल रहे हैं एक सेकेंड बुला रहे हैं है ना है क्या आप कुछ दो चार दिन लगेंगे कोई